स्वैच्छिक रक्तदान को लेकर बढ़ावा देने व समाज में रक्तदान को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला प्रशासन एवं आकांक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्ट्रेट परिसर बहराइच में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान एवं डोनर पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी अजय दीप सिंह ने कहा है कि स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त ही सबसे सुरक्षित रक्त होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी जरूरतमंदों को उच्च गुणवत्ता वाला सुरक्षित रक्त समय पर उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, जिससे रक्त की कमी के कारण किसी का जीवन समाप्त न हो पाए। जिलाधिकारी अजय दीप सिंह ने कहा है कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के माध्यम से मात्र 450 मिलीलीटर किए गए रक्तदान से 3 व्यक्तियों के जान को बचाया जा सकता है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर SP शुक्ला, CMS महिला डॉक्टर मंजरी टंडन, PK टंडन, जिलाधिकारी की पुत्री कुमार दीप्ति सिंह, ARTO वीरेंद्र सिंह, काउंसलर नूर मोहम्मद के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तत्वाधान में एक रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि जिला आकांक्षा समिति जनपद में सक्रिय है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कलेक्ट्रेट स्तर पे किया गया है और आज की डेट में अधिकांश जिलों में ये हो रहा है। इस संबंध में MD NHM के स्तर से भी सूचना प्राप्त हुई थी, तो ये प्रदेश स्तरीय इनिशिएटिव पे हो रहा है और जिसके लिए हम प्रदेश स्तरीय आकांक्षा समिति के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोग यहाँ अपीयर हो रहे हैं और इसका उद्देश्य जो है, जो ब्लड की कमी पड़ती है इलाज के दौरान सामान्य लोगों के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति करना है। और अभी भी मुझे ध्यान पड़ रहा है, अभी 4-5 दिन पहले एक जो है महिला ने फ़ोन किया मुझको, कहा कि मेरी बहन की स्थिति बड़ी ख़राब है और ब्लड नहीं मिल पा रहा, कि मैंने उसको दिलवाया क्योंकि उसके पास कोई डोनर उपलब्ध नहीं था। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी लड़की की, क्योंकि कभी कभी बहुत जो है परेशानी की स्थिति में आदमी सामान्य मन स्थिति में नहीं रहता है, तो ब्लड देने में कहीं कहीं हिचकिचाहट होती है, तो दिलवाया। इस तरह से प्रायः आवश्यकता पड़ती रहती है और दूरभाष पर लोग अपेक्षा करते हैं कि जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था करे। इसी उद्देश्य से आज जो है ये कैंप आयोजित किया गया, जिसमें तमाम राजस्व कर्मी और जो है हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन, लेखपाल संघ, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, इस तरह बहुत सारे संघों ने इसमें सहयोग दिया है और दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं। मिहिपुरवा, नानपारा, कैसरगंज, सब तरफ से लोग इसमें आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक बहुत सफल कैंप होगा। और हमने यह भी अपने राजस्व यहाँ के यहाँ जो कर्मचारी हैं कलेक्ट्रेट के, उनसे यह निवेदन किया है कि आगे भी ये परंपरा कायम रहनी चाहिए, क्योंकि कलेक्ट्रेट जो है विकास की एक जो है बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जनपद की केंद्र बिंदु समझा जाता है। तो यहाँ से यदि जो है महादान जैसे कहते हैं रक्तदान, यदि उसकी जो है हम व्यवस्था करेंगे तो उससे काफ़ी प्रचार प्रसार भी होगा, इसके संबंध में लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वह भी दूर होंगी ब्लड डोनेशन के संबंध में, और जो आमजन है जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है उसकी भी हम पूर्ति कर रहे हैं। कितने दिन तक ऐसा शिविर चलेगा? नहीं, शिविर तो एक दिवसीय शिविर है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो एक महीने बाद फिर करेंगे। सर, कितने लोग ब्लड डोनेट करेंगे? अब संभावना लगभग जो है 100 की है कि कम से कम शतक हम लोग जरूर पूरा करेंगे, ऐसा हमारा। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश से नूर आलम, वार्षिक रिपोर्ट।